टुडेज टॉपिक इज सीड। आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसे हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो इसका एंड प्रोडक्ट है लास्ट में क्या बनता है, सीड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीड, क्योंकि सीड से जो है न्यू प्लांट बनेगा, आगे जाके फ्यूचर प्लांट बनेगा सीड से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। और आपको इतना तो पता है कि जो सीड है वो बनता है ओब्यूल से। ओब्यूल जो है वो सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जो ओब्यूल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सीड बनाएगा। तो सीड को कई बार फर्टिलाइज्ड ओब्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओब्यूल भी सीड ही है। ओके, और उसके बाद मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे डायग्राम है, डाइकोटिलीडन्स सीड है ये। इसमें टू कोटिलीडन्स हैं, 1 2 कोटिलीडन्स। तो ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट का है, मतलब सीड है, डाइकोटिलीडन सीड। तो ये पूरा सीड है, और यहाँ पे ये कोटिलीडन्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो डायग्राम है, तो इसमें आप वैसे आपके घर में अगर कोई ग्राम सीड या कोई और पल्सेस के सीड होंगे, आप उसमें भी देख सकते हो, वैसे ग्राम सीड में, कि यहाँ पे जो या किसी बीन्स में यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है। ठीक है, वो जो पोर है छोटा सा, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, जब आपने ओब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने देखा था माइक्रोपाइल, और उसमें इंटीग्यूमेन न्यूसिलस होते हैं। तो उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड एक पोर होता है, वही है ये माइक्रोपाइल है, जो छोटा सा पोर है। और यहाँ पे ये जो है ये है हाइलम। ठीक है, यहाँ पे ये होता है हाइलम, क्लियर। और एक सीड के अंदर और क्या क्या होता है, जो सीड के, यहाँ देखो, जो सीड के बाहर की कवरिंग है वो क्या है, सीड कोट। एक क्या है, एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म कई सीड में होता है, कई सीड में नहीं होता है, कईयों में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे होगा। और ये क्या है, कॉटिलीडन्स। एक और डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, ये डायग्राम है। तो इसमें देखो, जो सीड कोट है उसको हम टेस्टा भी बोल देते हैं। इसमें टू लेयर्स होती है, जो बाहर वाली लेयर है दैट इज टेस्टा, उसके अंदर वाली जो इनर लेयर है दैट इज टेगमन, और बीच में कॉटिलीडन्स है। और यहाँ पे ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्ल्यूमूल और रेडिकल का, तो प्ल्यूमूल है, प्ल्यूमूल से शूट बनेगी, और जो रेडिकल है उससे रूट बनती है। ठीक है, ये है सीड का स्ट्रक्चर पूरा। उसके बाद सीड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो सीड है वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन जो है वो होता है एंडोस्पर्मिक सीड, या इसको हम बोल सकते हैं एल्बुमिनस सीड। वो क्या होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ाया था कि कई सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज नहीं होता है, एंडोस्पर्म रह जाता है पीछे से। अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म है तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। ठीक है, सेकेंड नॉन एंडोस्पर्मिक, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, जो भी है, या इसको हम एक्स एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, नो एंडोस्पर्म,
इसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं होगा प्रेजेंट, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, यूज हो गया है पहले ही, तो सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा। और एक जो तीसरी टर्म है दैट इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। तो अब आपको पता होना चाहिए पेरिस्पर्म, इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले मैं बता दूं जो पेरिस्पर्म है वो किस में होता है, ब्लैक पेपर में, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट में, चुकंदर और कॉफ़ी में भी होता है, ठीक है। तो ये पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे कि, अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा है पीछे, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है देखो। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे क्या है न्यूसिलस, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, ये माइक्रोपाइलर एंड है जो मैंने आपको बताया, माइक्रोपाइल, ठीक है। और अब ये पेरिस्पर्म क्या होता है, कई सीड्स में क्या होता है, न्यूसिलस, ये जो न्यूसिलस है ये कम्प्लीटली यूज नहीं होता है, इसका कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है। तो ऐसे सीड जिसमें न्यूसिलस का कुछ पार्ट रह गया है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। ये पेरिस्पर्म जो होता है ये भी न्यूट्रिशन देने का ही काम करता है, ठीक है, ये भी एक न्यूट्रिटिव लेयर ही होती है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ होती है, ठीक है। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, उसके बाद फाइनली क्या बनता है, सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओब्यूल भी बोल सकते हैं हम इसको। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, तो जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर बनते हैं, जैसे एप्पल हो गया या जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें जो सीड है वो फ्रूट्स के अंदर बनेगा, इनसाइड द फ्रूट। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया सीड क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या होता है उसमें, सीड कोट, ठीक है, यहां देख लो एक बार, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट, या इसको हम टेस्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉटिलीडन्स होगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस भी मैंने आपको बताई थी कि यहां बीच में यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। तो यहां देखो सीड कोट जो उसकी बाहर की कवरिंग है जिसको हम टेस्टा भी बोल सकते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं, मोनोकॉट है तो एक कॉटिलीडन्स होगा और अगर डाइकॉट्स है तो टू कॉटिलीडन्स होंगे, और एक एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जिसमें प्लूमूल रेडिकल होता है, ठीक है। द कॉटिलीडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जो कॉटिलीडन्स होते हैं एम्ब्रियो में जैसे कि ये वाले, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। अब जिन प्लांट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है उनको फूड कहाँ से मिलेगा, कॉटिलीडन्स से, कॉटिलीडन्स के अंदर रिजर्व होता है फूड जो सीड को फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, जिन लेग्यूमिनस प्लांट फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि सीड्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, तो मैच्योर सीड्स में भी जो मैच्योर सीड होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। मैंने अब आपको बता चुकी हूँ इस बारे में नॉन एल्बुमिनस होंगे या एल्बुमिनस होंगे। तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा क्योंकि वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी, एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, वो पूरा उसको यूज कर चुके हैं। और इसके एग्जांपल हैं पी, ग्राउंडनट, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ए हो गया, जिनमें नहीं होता वो होते हैं नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। और आगे है एल्बुमिनस सीड्स क्या होंगे, जिनमें एंडोस्पर्म होगा, रिटेन अ
पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, उनमें एंडोस्पर्म का पार्ट होगा एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, ये पूरा यूज नहीं हुआ है, रह गया है, जैसे वीट में, मेज में, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर में। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया एल्बुमिनस क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस क्या होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पी और जो कैस्टर है उसके सीड्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए एक एल्बुमिनस है, एक नॉन एल्बुमिनस है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और इनको लर्न कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल को। आगे ओकेजनली इन सम सीड, कुछ सीड्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लैक पीपर हो गया, वीट हो गया, एक एग्जाम्पल इसका कॉफी भी है, उसमें क्या होता है रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो परसिस्टेंट। रेमनेंट क्या होता है, न्यूसिलस का कुछ पार्ट, मतलब मैक्सिमम पार्ट यूज हो गया है और कुछ पार्ट जो है वो उसमें रह गया है, इन सीड्स में रह जाता है बाद में भी। तो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस, ये जो न्यूसिलस का कुछ पार्ट रह गया है अभी भी, उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। इसका मैक्सिमम इसके आते हैं क्वेश्चन, और अब की बार भी आया था कि पेरिस्पर्म क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, तो ये न्यूसिलस का पार्ट होता है, और किस में होता है, इसके एग्जाम्पल इंटीग्यूमेंट ऑफ ओब्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। ठीक है, जो ओब्यूल के बाहर इंटीग्यूमेंट होता है वो हार्ड हो जाता है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है सीड के बाहर। ठीक है, तो जो सीड कोट है वो किस चीज का बना होता है, ओब्यूल के किस पार्ट से बना होता है, सीड कोट जो है वो इंटीग्यूमेंट से बना होता है, ओब्यूल के इंटीग्यूमेंट से बना होता है सीड कोट, अब आपको ये पता होना चाहिए। आगे द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब मैं आपको बता दूं, ये ओब्यूल की डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, तो जो ये आउटर इंटीग्यूमेंट है इससे टेस्टा बनेगी और जो इनर इंटीग्यूमेंट है इससे टैगमेन बन जाता है। ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंट से टेस्टा और इनर से टैगमन बन जाती है, मतलब लेयर प्रोटेक्टिव सीड कोट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल है, ये जो हमने मैंने आपको आगे ये है माइक्रोपाइल, तो ये जो माइक्रोपाइल है ये बाद में भी रह जाता है, यहाँ पे देखो ये है माइक्रोपाइल यहाँ पे। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का काम क्या है, माइक्रोपाइल का एक छेद जैसा होता है, एक पोर है ये, जब सीड जर्मिनेशन होगी तो जो भी वाटर है, मिनरल है, ऑक्सीजन है, वो यहाँ से अंदर जाएगी और सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, ए है इसका फंक्शन। अब देखो यहाँ पे द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर, छोटा सा पोर रह जाता है इन द सीड कोट, सीड कोट में। ठीक है, दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन की एंट्री करवाएगा एंड वाटर की इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पर। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाएगा उसका जो उसके अंदर जो वाटर है वो कम होता जाएगा और सीड जो है वो ड्राई बनता जाएगा। ठीक है, 10-15% जो है उसमें मॉइस्चर जो है मास के अकॉर्डिंग वो रिड्यूस होता जाएगा। द जनरल मेटाबॉलिक, अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डोरमेंसी क्या होती है, कई बार क्या होता है, अब क्या होता है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, कई बार क्या होता है एम्ब्रियो की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत ही जो उसका मेटाबॉलिज्म का रेट है वो स्लो हो जाएगा और जो एम्ब्रियो है मे एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, उस पीरियड को बोलेंगे डोरमेंसी। ठीक है, ए डोरमेंसी ब्रेक कब होगी, जब सीड को कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है उसके लिए, जैसे उसको प्रॉपर एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, लाइट मिलेगी, तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो डोरमेंसी में होगा जब तक वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, अभी के लिए हमने सीड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद इसको आप अच्छे से, इसकी जो ये जो सारी डायग्राम्स हैं, इनकी लेबलिंग, सीड से रिलेटेड इनकी सारी डायग्राम्स,
इनकी लेबलिंग ठीक है, इसकी इसकी सबकी लेबलिंग अच्छे से कर लेना, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।